दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट बदली है। नए वेस्टर्न डिस्टरबेंस का जो असर है वो राजधानी दिल्ली में साफ देखने को मिल रहा है। देर रात को राजधानी दिल्ली में तेज बारिश के साथ साथ कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। इस समय मैं अक्षरधाम मंदिर पर मौजूद हूँ। मैं आपको बता दूं, ओलावृष्टि के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं और बिजली भी कड़क रही है, साथ ही साथ बादल भी काफी देर से गरज रहे हैं। तेज बारिश जहां पर हो रही थी, अभी बारिश रुकी हुई है। अक्षरधाम मंदिर के सामने मैं मौजूद हूं, लेकिन बारिश काफी तेज यहां पर हुई है राजधानी दिल्ली में, और साथ ही साथ दिल्ली से सटे जो इलाके हैं, चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, तो वहां पर भी तेज बारिश हुई है और साथ ही साथ हवाएं भी तेज चल रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि कल जो है वो सुबह धुंध भी छाई रह सकती है, कोहरा भी सुबह छाया रह सकता है, आसमान में बादल छाए रहेंगे। कल का मौसम का पूर्वानुमान मौसम विभाग के अनुसार यही है। और साथ ही साथ जो तापमान है वो आज अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री, वहीं जो न्यूनतम तापमान है वो 12.5 डिग्री दर्ज किया गया है। जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 2 डिग्री जो है वो औसत से 2 डिग्री अधिक था। हालांकि बारिश से ठंड जरूर बढ़ी है, गरज जो है वो साफ यहाँ पर महसूस की जा रही है। बादलों की जो गरज है वो भी सुनाई पड़ रही है। हवाएं जो है 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आज थोड़ी देर बाद इसी तरह से बारिश ऐसी जारी रहने वाली है। वहीं कल मौसम में जो है कुछ सुधार नहीं होगा, मौसम का हाल ऐसे ही रहने वाला है और सुबह में धुंध भी छाई रह सकती है। जहां पर एक तरफ ठंड बढ़ी है, वहीं ओलावृष्टि के जो लुत्फ हैं वो दिल्ली वालों ने उठाए हैं। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भी वीडियो शेयर करे हैं और काफी लोग हैं जो उसके लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम की करवट जो बदली है मौसम ने, कहीं ना कहीं लोग उसका मिजाज जो खुशनुमा हुआ है उसके यहाँ पर लुत्फ उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ इलाका आजमी, ABP News दिल्ली।